आपका मन अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, आप घबराए हुए रहेंगे, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होगी कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए, और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जितनी तैयारी आपको करनी थी आपने कर ली है। अब आपका फोकस प्रश्नों के अच्छे से उत्तर देने में होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक कोरोना का प्रश्न है, मैं तो इसे इस रूप में देखता हूं कि जो गलती आपने नहीं की उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। ये आपके लिए जीवन की एक सीख है कि कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है, और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो एक साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है, लेकिन कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है।